सुन रहे हैं रेडियो गोरखपुर 90.8 गुनगुनाओ अपनी धुन। नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं आरजे मार्तंड। श्रोताओं, दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते जहां पूरा विश्व संकट में है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित हुए हैं और खासकर शिक्षा का जो क्षेत्र है, एजुकेशन लाइन जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और जहां ऑनलाइन क्लासेज का चलना, जूम मीटिंग के द्वारा, कई ऐपों के द्वारा ऑनलाइन की तरफ बढ़ना, ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से हमें एक नया कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठाना पड़ेगा और शिक्षा इस तरीके से प्रभावित होगी, स्टूडेंट इस तरीके से प्रभावित होंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा देश भारत विकासशील देश है, विकसित देश है नहीं, और यहाँ पे ऑनलाइन इंटरनेट सेवाएं कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित है, पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। तो इस क्षेत्र में आज शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं, नहीं अच्छे से अध्ययन हो पा रहा है कि नहीं, इन सब तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं KIBM टेक्निकल कैंपस के एसोसिएट प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह सर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गोरखपुर 90.8 के स्टूडियो में। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना महत्वपूर्ण विषय है बात करने के लिए, उस पर आमंत्रित करने के लिए। जी सर, इस समय जो वैश्विक महामारी COVID-19 है, कोरोना वायरस, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मार्तन जी, ये बहुत, मुझे लगता है कि आज इससे ज्यादा रेलेवेंट सवाल कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही एनालिटिकल ढंग से देखने का, मतलब एक समय है, क्योंकि बहुत भय व्याप्त है जी, असुरक्षा है और लोगों पर अविश्वास है, कहीं बाहर से आए हुए व्यक्ति को देखकर कहीं इसको कोरोना तो नहीं है, और भी बहुत सारी, मतलब आप भय की स्थिति को देखे ही है कि महानगरों से जिस तरह से पलायन हुआ है वो एकदम से द्रवित करने वाला विषय है। हमें लगता है कि हमको थोड़ा सा, जैसा मैंने शुरू में कहा, एनालिटिकल होने की जरूरत है। एनालिटिकल कहने का मतलब यहाँ पे इतना ही है कि हम जरा देखें मॉर्टेलिटी रेट क्या है, 0.01% से भी ज्यादा नहीं निकलेगा अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो, ये कहीं कुछ भयावह नहीं है। ये अब अगर है भी तो एक तरीके से देखा जाए कि एक फ्लू के जैसा है, हम थोड़ी सावधानी बरतें और थोड़ी सावधानी के साथ अपनी इम्यूनिटी पे काम करें तो ये कोविड मेरे लिए बस वैसा ही है कि आप इसको अपने जीवन का हिस्सा मानकर चले और इतना मान के चले कि सामने वाले को कोविड है भी तो एक सामान्य शिष्टाचार, हम जो जिसको हम कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, उस फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना, सैनिटाइजर से अपने हाथ को जो है साफ करते रहना, इतना कुछ हम अपने जीवन में अगर शामिल कर लें तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी डर की स्थिति। जी बिल्कुल बिल्कुल, सावधानी अपनानी पड़ेगी, सतर्कता बरतना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, तभी हम COVID-19 के साथ अपनी जो प्रक्रिया है, हमारा रोज दैनिक जीवन की जो प्रक्रिया है उसे कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लॉकडाउन की स्थिति में नहीं रह सकते क्योंकि हमें चारों तरफ देखना है, हर क्षेत्र को देखना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि COVID-19 की वजह से शिक्षा, एजुकेशन किस तरीके से प्रभावित हुआ है? हाँ, निश्चित तौर पे जब लॉकडाउन पहली बार सुनने में आया और अमल में आया तो एक बात तो ये समझ में नहीं आई कि क्या होगा, और इसकी बढ़ती हुई स्थिति को देख करके थोड़ा सा असमंजस जैसी स्थिति बनी थी कि ये अब लगता है कि बहुत दिनों तक बच्चों से पढ़ाई लिखाई दूर हो जाएगी, शिक्षकों से भी पढ़ाई लिखाई दूर हो जाएगी, लेकिन चूंकि तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है और उन तकनीकी के माध्यम से हम तकनीकी महाविद्यालय के लोग हैं, उस तकनीकी को तुरंत समझा और समझ के उसको जो है हम लोग मुख्य धारा में ले आए, और आज हमारे जो है लगभग 60% 65% बच्चे जो है उसे कनेक्ट होकर पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनको भी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा शुरू में तो प्रभावित हुआ है, लेकिन जैसा कि कहा है कि परिवर्तन के साथ अपने को ढालना आवश्यक होता है, परिवर्तन संसार का नियम भी है और उसके लिए भारत लोग तो हमेशा से प्रयोग धर्मी रहे हैं और इसको बहुत जल्दी से अडॉप्ट करते हैं, जब कोई बदलाव होता है हमने भी अडॉप्ट किया और आगे बढ़ रहे हैं आज। जी, तो आज हम देखें, हम लोग मतलब खुद ही बहुत ही व्यवहारिक ढंग से देखते हैं तो हमारे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी जी, तो ये ठीक है, प्रभावित किया था। आने वाला भविष्य भी देखा जाए तो जिसको हम लोग एक नया कंसेप्ट दे सकते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग।
लर्निंग यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन को कुल मिला जुला के अब इन दोनों के सहयोग से पढ़ाई जो है करना एक हमारे जीवन का हिस्सा भी हो जाएगा। और एक अच्छी बात भी इसमें यह है कि वैश्विक स्तर का किसी विषय का अगर जो है वैश्विक स्तर का एक्सपर्ट अध्यापक है तो आज उसको भी हम आसानी से सुन सकते हैं। अच्छा, तो ये एक सुविधा भी मिली है हमको, एक रास्ता भी मिला है हमको इसमें। अगर ये पैंडेमिक ना आता तो शायद ये रास्ता ना मिलता। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का इस कोविड 19 ने हमें सिखा दिया। अब बिल्कुल हमने सोचा नहीं था कि इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, जिन्हें हम रोज अपने समक्ष सामने पढ़ाते थे आज उन्हें मोबाइल पे पढ़ाएंगे, स्मार्टफोन पे पढ़ाएंगे, गैजेट्स पे पढ़ाएंगे। कई होता था भारत में तो ऐसे थे, और देशों में, विकासशील देशों में, विकसित देशों में ये है कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन होमवर्क दिए जाते हैं, सब पहले से था। लेकिन अपने देश ने ये पहली बार ट्राई किया और अधिकतर हम इसमें सफल भी हैं। लेकिन सर, जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर नहीं पकड़ पाता है और कई ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, आज तो मतलब ऐसी फैमिली ऐसा नहीं कह सकते कि किनके यहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता है, किनके यहाँ सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, किनके यहाँ स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन अधिकतर क्षेत्र में बच्चे भी हैं जिनके यहाँ स्मार्टफोन नहीं है, एजुकेशन का कुछ ऐसा साधन ऑनलाइन नहीं है। ठीक बात, इसके लिए सर क्या कुछ कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाहो वहाँ रहा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले कौन जानता था कि मोबाइल पे क्लास लगेगा। 2019 तक हम लोग कहते थे कि मोबाइल्स आर बैनिंग द क्लासरूम, और अब हम कहते हैं कि क्लासेस विल बी एंगेज्ड इन द मोबाइल, ऑन द मोबाइल। तो मोबाइल पे अब तो क्लासेस चल ही रही है, इस बात को लेकर स्वीकार कर लिया है। तो जब जनता, हम रिमोट की जितनी भी बात करें, हम गोरखपुर को भी बहुत अर्बन नहीं मानते, रिमोट ही मानते हैं। हम गोरखपुर में रह के हमने दुनिया के लोगों को कनेक्ट किया, दुनिया के लोगों से हमने सीखा। और वास्तव में आपको बता दें कि AKTU से जुड़ा हुआ आपका जो केयर के इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये जो है इस दिशा में इतना तेजी से आगे जुड़ा है, इस लर्निंग को इतने तेजी से अडॉप्ट किया है, एप्लीकेशन को इतनी तेजी से अडॉप्ट किया है कि हमारे बच्चे फिर भी 30% से शुरू होकर के 65% तक पहुंचे। उनको लगातार काउंसलिंग किया जा रहा है, फोन किया जा रहा है कि एक बार जो है, अगर ये हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा हो गया शिक्षण का, जब जीवन सिखाना नहीं छोड़ती तो हम सीखना क्यों बंद करें। बिल्कुल, तो सीखने का जो भी माध्यम उपलब्ध होगा, तो आज कम से कम हर अर्थव्यवस्था में 4-5 हजार का एक एंड्रॉइड मोबाइल और एक 4G सिम आराम से ले सकता है बच्चा। जब उसको इंजीनियरिंग कर रहा है तो ये एक्सपेंस उसके लिए एक अनिवार्य एक्सपेंस हो जाता है और वो निश्चित तौर पे जुड़ जाएगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। रही बात नेटवर्क की, जहां तक उसकी अपनी कोई उस पर कंट्रोल नहीं है, तो मैं तो जानता हूँ ये बात कि जब भी सरकार मतलब जब भी कोई इस तरह की व्यवस्था बनती है समाज में, तो वो सरकार पे दबाव बनता है और निश्चित तौर पे सरकार में जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि नेटवर्क हमारे इलाके में, जिसको हम रिमोट कहते हैं, दुरुस्त हो जाए। जी जी बिल्कुल सर, ऐसा किया जाएगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ नया करने का प्रयास किया है, उसे आगे सफल भी बनाया, अभी सफल है। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि इस समय सफल नहीं है, अभी सफल है, आगे और अच्छा होगा और सफल होगा। सर, इस समय जो प्रवासी मजदूरों का अपने क्षेत्र में आना, अपने जिलों में आना, राज्यों में आना, इस तरीके से मतलब और जगहों ने उनमें काम धंधा बंद हो चुका है, लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है बेरोजगारी बढ़ेगी। और बेरोजगारी के कारण जो स्टूडेंट है, जो बीटेक कर रहे हैं या अभी इंटर लेवल पे हैं, उनका मानसिक टेंशन है कि आगे हम क्या करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, हम सुरक्षित हैं कि असुरक्षित हैं, ये जो भावनाएं आती हैं, तो सर इन पे क्या कहना चाहेंगे? लोकल वोकल की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही जी, ये जो लोग वापस आए हैं उनके लिए हमें लगता है कि कुटीर उद्योगों का स्थापना होना चाहिए और सरकार इस दिशा में सोच भी रही है। हमें लगता है MSME के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्लान्स जो है इसी दिशा को निर्देशित करते हैं। दूसरी बात यह है, जब हम और आगे के भविष्य यानी उनके बच्चों के भविष्य की बात करें, तो कहना का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम जान रहे हैं कि तकनीक जो है हमारे जीवन का हिस्सा होने जा रहा है, टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ गवर्न होने वाला है, तो टेक्निकल एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। जो आपका KIPM इंजीनियरिंग कॉलेज जो सर्व कर रहा है उसका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। रही बात, हम इतना कुछ तो ये आपका लोकल दे ही देगा कि आप अपने बच्चे को गोरखपुर के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम दिल्ली या पुणे या और किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ की फीस और यहाँ की फीस में बहुत अंतर है। जी जी, हमारा गोरखपुर हमें लगता है कि 50,000 में जिस कोर्स को कराता है, भाई नोएडा में 1.5-2 लाख में होता है। मुझे लगता है कि बच्चों को परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए, गार्जियंस को ये सोचना चाहिए कि उनको कोई ऐसी शिक्षा दें जो तकनीकी शिक्षा हो, और उस तकनीकी शिक्षा में वो अपने को दक्ष करें और जो आने वाला ट्रेंड है एम्प्लॉयमेंट का उसको अपने जीवन का हिस्सा।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को साझा करने के लिए। जरूर, जो सर ने कहा कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, कोविड-19 के साथ साथ अपने कार्यों को करना पड़ेगा, ऐसा जरूर है, ऐसा हमें करना पड़ेगा और निश्चित ही एक अलग दिशा की तरफ रुख करना पड़ेगा और अपने आप को उभारना पड़ेगा। तो सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8, गुनगुनाओ अपने धुन। नमस्कार।